हम सतना से निकल रहे हैं, एमपी से बाहर जा रहे हैं। यहाँ से हम एमपी में, हम सिउरी में हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद वहाँ से जबलपुर में चार स्कूल के स्टूडेंट वहाँ जमा हो गए थे। चारों स्कूल के जमात इस्लामी ने उसको लीड लिया था। बहुत ही बड़ा वो प्रोग्राम हुआ। असातिज़ा तकरीबन 150 असातिज़ा कराम थे जबलपुर में, और पेरेंट्स भी तकरीबन काफ़ी आए थे, 1000 के करीब। उसके अलावा स्टूडेंट के साथ हुआ। वहाँ से हम सतना पहुँचे। सतना में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ही प्रोग्राम हुआ। अब हम निकल रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज। वहाँ से हम सैयद सरावा, जो प्रयागराज से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है, तारीखी खानका है जामे आरिफिया, वहाँ पे हम कायम करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको उकताहट से बचना है तो अपने रोजमर्रा के रूटीन पर ध्यान दीजिए। इसमें बदलाव जरूरी है। एक ही तरह की जिंदगी जीने से उकताहट आती है। तिजारत, काम धंधा, मुलाजमत के अलावा मेहमान नवाजी, वर्दिश, तफरी, घूमने फिरने के लिए वक्त निकालना, नए दोस्त बनाना, नई नई जगह जाना, ये आप में एक बदलाव लाती है। आप में एक वेरिएशन मिजाज में आता है, और इसी ये तब मिलता है जब इंसान सफर करता है। वी आर सो लकी, हमें कुदरत की नई नई चीजों को देखने का मौका मिलता है। ये एक बहुत बड़ी नियामत है। अब हम यूपी में दाखिल हो चुके हैं, और उस मिजाज को हमने बनाया है, फितरत के मिजाज को समझा है, तो हमें सफर, इतना लंबा सफर करने के बावजूद भी उकताहट नहीं होती। जिंदगी में उकताहट नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि एक बामकसद हम दिन गुजारते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, तो उकताहट कभी भी नहीं होती।